अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए बच्चों, अब हम हमारे अगले मौजू पर रोशनी डालते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तहरीक निस्वा यानी खवातीन की तहरीक। आजादी से कबल के दौर में तरक्की पसंद मर्दों की रहनुमाई में भारत में औरतों की तहरीक शुरू हुई। औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को रोकने, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने, इज्जत व वकार के साथ उन्हें जिंदगी गुजारने का मौका देने और आवामी जिंदगी में शरीक करने के लिए कई इस्लाही तहरीकें शुरू हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि ढूंढू केशो करवे, पंडिता रमाबाई रानाडे वगैरह की रहनुमाई में रस्म सती की मुखालिफत, बेवाओं की दोबारा शादी, औरतों की तालीम, बचपन की शादी की मुखालिफत, औरतों को वोट देने का हक जैसी इस्लाहात किए गए। प्यारे बच्चों, आजादी के बाद दस्तूर हिंद में औरतों को हर मामले में मसावी हक दिया गया, लेकिन कई शोबों में औरतों के साथ अमलन मसावी सलूक नहीं किया जाता था। उस दौर में औरतों की तहरीक का मकसद आजादी निस्वा था। उस वक्त तो औरतों की तहरीक का खास मकसद उन्हें इंसान की हैसियत से समाज में बाइज्जत मुकाम दिलाना था। भारत में रिश्वत सनाती, जात पात के निजाम, मजहबी कट्टरपन जैसे मसाइल के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस आंदोलनों में खवातीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की थी। उससे औरतों को उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों का एहसास हुआ। इस वजह से खवातीन की रहनुमाई में खवातीन की तहरीक शुरू हुई। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा तहरीक निस्वा यानी खवातीन की तहरीक।